दशकों से राम भक्तों ने जो सपना देखा था, आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। इसका श्रेय दूंगा वहीं इस इच्छा शक्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं दूंगा। मैं मानता हूं कि इस कलयुग के दौर में एक नए त्रेता युग की ये शुरुआत है। यकीनन बहुत महत्वपूर्ण पल, खुशियों से भरा हुआ ये पल। दशकों से राम भक्तों ने जो सपना देखा था, आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। यकीनन जहां मैं हमारी न्याय प्रणाली को इसका श्रेय दूंगा वहीं इस इच्छा शक्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं दूंगा। इन्हीं प्रधानमंत्री में वो इच्छा शक्ति थी कि इतने रिकॉर्ड समय में इन्होंने इतना खूबसूरत भव्य राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया। मैं मानता हूँ कि इस कलयुग के दौर में एक नए त्रेता युग की ये शुरुआत है। जिन्होंने आलोचना की, कभी प्रभु की मूर्ति को लेकर, कभी मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ, निमंत्रण में बहुत लोग नहीं आए, जो मतलब भाग्यशाली ही है जो सब निमंत्रण में आए, लेकिन कुछ लोग निमंत्रण में भी नहीं आए। मैं क्या कहना चाहेंगे, मैं क्या ही बोलूं, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जहाँ करोड़ों लोग इस पल का साक्षी बनने के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली भी हैं जिनको आमंत्रित किया गया पर उन्होंने अपने राजनीतिक मतभेदों के कारण भगवान राम को भी अस्वीकार उन्होंने किया। आप भाजपा से लड़ें, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लड़ें, पर भगवान राम से तो ना लड़ें। उनके दरबार में तो सब एक हैं, एक बराबर हैं, एक समान हैं। आज इतना खूबसूरत मौका था, जो नहीं आ पाए या जिन्होंने इस निमंत्रण को ठुकराया, मैं मानता हूँ ये उन्हीं का ही बैड लक है।